ऐसा कितनी बार होता है कि हम लोग जो है किसी चीज़ को करना तो चाहते हैं लेकिन उसको जो है टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, और इतना टाल देते हैं कि एक वक्त के बाद लगता है कि छोड़ो यार क्या करना, इतना वक्त निकल गया, वो एक तरीके से काम रह ही जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन की। ये ऐसी चीज़ है जो इंसानों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है, और ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी बहुत बार होता है। तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन चीज़ है इसको हम लोग जो है कैसे बीट कर सकते हैं। 10 तरीके यहाँ पे, मतलब 10 तरीके मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि कैसे जो है आप अपनी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है उसको पीछे छोड़ सकते हैं या फिर धीरे धीरे उससे उभर भी सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे डाउट होता है कि भाई मैं कौन होता हूँ बताने वाला, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये जो मेथड्स हैं ये अरबाब उस्मानी सर ने बताए हैं, उनके शब्द हैं, बोल मैं रहा हूँ। ओ हेलो दोस्तों, मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं हूँ टीम अपस्किल से, और स्वागत है एक और नए वीडियो में। लेकिन वीडियो का सिलसिला शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं और या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो पहला टास्क यहाँ पे ये है कि सुबह उठ के आपको जो है, हमारी हैबिट होती है कि हम लोग जो है सुबह उठते ही फ़ोन को चेक करते हैं, जहाँ पे क्या क्या नोटिफिकेशंस आए हैं वो हमारी हैबिट है चेक करने की। लेकिन अगर आप 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए उस फ़ोन को साइड करके सुबह उठ के सबसे पहले अगर आप जो है एक टू डू लिस्ट बना लें तो आपके लिए यहाँ पे जो है बहुत आसान हो जाएगा। जहाँ पे मैं बता दूँ कि आप जो है पहले 15 मिनट अपने आप को दे के अपने जो भी काम करने हैं उस दिन के, जो भी इंपॉर्टेंट काम है, जितने भी टास्क है, उसको लिस्ट में बना लीजिए, एक ऑर्डर वाइज बना लीजिए, जिसके वजह से आप जो है यहाँ पे उस काम को आगे चल के कर सकते हैं, चाहे वो काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। वहीं पे आप जो है जो भी इररेलीवेंट टास्क हो से उसको क्या बोलते हैं अवॉइड करना शुरू कर दीजिए, कि जो एकदम काम के नहीं है उसको अवॉइड कर दीजिए और अपने टास्क को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि आप जब रात को सोएंगे तो आप एक चेक कर सकते हैं कि कितने सारे टास्क मैंने लिखे थे और कितने सारे मैंने कर दिए, जिससे क्या होगा कि अगर 10 में से 5 भी आप कर पाते हैं तो चलो ये एक तो सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ ये मैंने 5 वो टास्क निपटा दिए। दूसरा है ज़िगार्निक इफेक्ट। ये जो है आप इसको यूज़ करके अपनी साइकोलॉजी को अपने ही खिलाफ यूज़ करके एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा माइंड जो है जो भी अनफिनिश्ड टास्क होते हैं उसको यहाँ पे माइंड में रखता है, जहाँ पे जिसको बोलते हैं कि ज़िगार्निक इफेक्ट। अब क्या करना है आपको, तो आप जो है यहाँ पे एक छोटा सा टास्क लीजिए, उसको 5 मिनट दीजिए अपने, और कोशिश कीजिए उस 5 मिनट में उसको फिनिश करने की। अगर आप उस 5 मिनट में उसको फिनिश नहीं भी कर पाए तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये रहेगा कि आपने क्योंकि उस टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि हाँ मैंने ये काम किया नहीं, उसको मुझे काम निपटाना है। ये चीज़ जो है आप कर सकते हैं। तीसरा है कि आप जो है यहाँ पे कोई एक पावर सॉन्ग उसको चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जब वो प्ले करोगे तो एकदम आपके अंदर एनर्जी से भर देगा वो सॉन्ग। कहने का मतलब ये है कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जब आप जिम में जाते हो, अगर कोई जिम करता है या फिर सुबह अगर रनिंग करते हो तो आप हमेशा गाने लगा के सुनते हो। जिम में भी देखते होगे कि गाने चलते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग चलते हैं। उससे क्या होता है कि वो हमारे माइंड को ट्रिगर करता है, जहाँ पे हम लोग जो है मतलब एक एनर्जी सी आ जाती है बॉडी में। यही चीज़ जो है अपने काम के लिए भी कर सकते हैं। कोई भी काम जिसको आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या फिर उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, वो करने से पहले एक पावर सॉन्ग लगा दीजिए। वहाँ पे क्या होगा कि आपके बॉडी को या फिर आपके ब्रेन को जो है ट्रिगर करेगा एक नई हैबिट बनाने में, जहाँ पे जब ये हो जाए तो आप उस काम को करने के लिए बैठिए। उसके बाद जो है आप ऐसे करके भी इस प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को धीरे धीरे छुड़ा सकते हैं। चौथा है आपका द पावर आर। अब क्या होता है कि हम कोई भी काम जब करने बैठते हैं, हमारे बगल में फ़ोन होता है, फ़ोन में जो है टिंग टिंग आवाज़ बजती रहती है, नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कई सारी चीज़ हैं। इसके साथ ही अगर वाइब्रेट पे भी हो तो करके बजता रहता है वो फ़ोन, तो दिक्कत होती है। पावर आर में क्या करना है आपको, चाहे वो 1 घंटे का हो या 30 मिनट का हो, फ़ोन को एकदम साइलेंट करके या तो बिल्कुल अलग रख दीजिए या फिर दूसरे रूम में रख दीजिए, और अपने आप को एक तरीके से सेल्फ क्वारंटीन में ले जाइए, जहाँ पे आपका सिर्फ फोकस जो है उस काम में होगा, चाहे वो 30 मिनट हो, 1 घंटे हो, बिल्कुल एकदम किसी डिस्ट्रैक्शन के बिना उस काम को कीजिए, और आपको जो है देखने को मिलेगा कि आप धीरे धीरे जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है उसको भी छुड़ा पाएंगे। अगला पॉइंट है आपका अंतर्द्वंद। एक कहावत है कि भैया औरों से सब लड़े, स्वयं से लड़े वीर। कहने का मतलब यह है कि आपको अंतर्द्वंद करना है, आपको आपका जो बैड वर्जन है उसके साथ फाइट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहीं पर मैं बता दूं कि आपके जो भी लेज़ी या फिर अनप्रोडक्टिव हैबिट्स हैं उसके साथ जब आप फाइट करेंगे तो वो ट्रिगर करेगा, क्योंकि हमारा माइंड का मैकेनिज्म ही ऐसे बना हुआ है कि उसको आराम पसंद है, उसको काम करना पसंद नहीं है।
अगर आप स्वयं से लड़ेंगे, अपने बुरे वर्जन से लड़ेंगे, तो आपको धीरे धीरे छुड़ाने में बहुत मदद मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है यहाँ पे रोबोट बन जाए, आपको रोबोट नहीं बनना है, काम करना है, लेकिन उस टाइम पीरियड के बाद आपको यहाँ पे इंजॉय भी करना है। अगला पॉइंट ये है कि आपको जो है एक कंटेंट कैलेंडर बनाना चाहिए। कंटेंट कैलेंडर जो है वो क्रिएटर्स के लिए बहुत हद तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे अपस्किल का जो है हमने कंटेंट कैलेंडर बना के रखा हुआ है कि ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को जो है यहाँ पे वीडियोस जाने होते हैं। तो हमारे ये कैलेंडर सेट है, उसमें मेरे को जो है अरबाब सर बता देते हैं कि कौन कौन से वीडियोस के टॉपिक्स यहाँ पे जाने होते हैं। जो जाने होते हैं, अगर किसी चीज़ को अरबाब सर को रिकॉर्ड करना है तो उसमें लिख दिया जाता है कि उनको रिकॉर्ड करना है, किसी चीज़ को मेरे को करना होता है तो उसमें लिख देते हैं। उससे क्या होता है, हम एडवांस में जो है वीडियोज़ को शूट करके उसको क्या बोलते हैं एडिट करके प्लान करके रख सकते हैं, ताकि हम लोग जो है उसको टाइम पे डाल सके। ऐसा जो है आप भी कर सकते हैं। एक वेल प्लान्ड कंटेंट कैलेंडर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो ये चीज़ आप जो है करना ना भूलें। अगला पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके दोस्त होते हैं उनसे भी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है, काम में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। वो तो आपने सुना ही होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि आपके जो पांच दोस्त होते हैं उनका जो एवरेज होता है वो आप होते हैं, कि कैसे आपके वो पांच दोस्त हैं। अगर अच्छे हुए तो आप जो है यहाँ पे अच्छे बनेंगे, अगर वो जो है बुरे हुए तो आप भी यहाँ पे बुरे बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दोस्त जो है आपको यहाँ पे अपलिफ्ट नहीं करते हैं तो अपना सर्कल चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वो आपको मोटिवेट नहीं करते हैं काम करने के लिए, तो आप यहाँ पे वो सर्कल को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो लोग आपको यहाँ पे नेगेटिव कर रहे हैं तो भी आप अपना सर्कल यहाँ पे चेंज कर दीजिए, क्योंकि जिन लोगों के अंदर काम करने का हंगर नहीं है या फिर आपके प्रति केयर नहीं है, तो उन लोगों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको जो है नीचे पुल डाउन करेंगे। अगला पॉइंट ये है कि आप जो है एक बेट लगा सकते हैं। बेट का मतलब ये है कि आप किसी अपने दोस्त को या फिर आपसे जो बड़ा है, जिसको आप मानते हैं, जो आपके केयर करता है, उनको आप बता सकते हैं कि भाई एक डेडलाइन दे दीजिए कि मुझे ये काम उस तक फिनिश करना ही। इसे जो है आप एक तरीके से प्रॉमिस कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि नहीं, मैं ये वादा करता हूँ कि मैं जो है इस काम को इस टाइम तक करके रहूँगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ खुद का। क्या होता था कि अरबाब सर जो मेरे को वीडियोस देते थे वो बहुत बार शुरू में लेट हो जाया करता था, लेकिन फिर एक दिन मैंने अरबाब सर को बोला कि सर मैं आपको यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगली बार से जो है नहीं होगा, ये प्रॉमिस है। इससे क्या होता है कि मेरे बैक ऑफ द माइंड में होता है कि यार वो काम जो है करना ही करना है, नहीं तो अरबाब सर से डांट पड़ेगी। लेकिन सर जो है कभी नहीं डांटते हैं, कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो होता है कि नहीं यार, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो एक होता है कि मैंने उनको बताया है तो मेरे को वो काम निपटाना ही है टाइम पे। ऐसा कुछ जो है आप भी कर सकते हैं, चाहे अपना दोस्त हो, बॉस हो या फिर कोई आपका कॉलीग हो जिससे बहुत क्लोज है, ऐसा आप उनके साथ बैट लगा के कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि परफेक्शनिज्म और फियर ऑफ फेलियर जो है रूट कॉज है प्रोक्रेस्टिनेशन के। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको जो है कोई भी काम अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको ये मत सोचिए कि पहली बार में ही परफेक्शन हासिल करना है। देखिए, पहली बार में परफेक्शन कोई नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि परफेक्शन जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसमें, कोई भी इंसान अपने आप को परफेक्ट नहीं कहता। जहाँ पे आप अपने आप को परफेक्ट कहना बोल देते हैं, वहाँ पे जो है आपकी जो ग्रोथ है, जो लर्निंग है, वो रुक जाती है। तो आपको जो है वो परफेक्शन के ओर नहीं जाना है, या फिर आपको जो है जो फियर ऑफ फेलियर होता है वो नहीं होना चाहिए। आप जो है स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करेंगे तो आगे होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने अपनी जब यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी, मेरे को कुछ नहीं आता था। मैं एक महीने से दो महीने से सोच ही रहा था कि मेरे को स्टार्ट करना है, लेकिन मैंने एक दिन ठाना कि छोड़ो यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं। मैंने फ़ोन उठाया, ट्राईपॉड पे लगाया और जैसे तैसे करके मैंने वीडियो शूट कर दिया, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो सेम चीज़ जो है आप भी कर सकते हैं, जिससे आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि रिवॉर्ड योरसेल्फ। देखिए, आपने यहाँ पे लिस्ट भी बना लिया, आपने सॉन्ग भी लगा लिया, उसके बाद आपने क्या बोलते हैं पावर आर भी कर लिया, काम भी कर लिया, ठीक है, अब सब कुछ काम हो गया, आपने वो काम निपटा लिया, अब क्या? तो भैया, जब आपने सारा काम निपटा लिया तो अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। रिवॉर्ड कहने का मतलब है कि अपने आप को किसी
फूड आइटम्स रिवॉर्ड कीजिए, मतलब या फिर आपको कोई अगर प्रोडक्ट पसंद है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का गैजेट हो या फिर कोई छोटी मोटी कोई कपड़ा हो जो आपको, या फिर शूज़ हो अगर आपको कुछ लेना है, तो वैसे कर, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को एक तरीके से लालच दे के भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को बिरयानी खाना बहुत पसंद है, तो मैं जो है ये करता हूँ कि भैया आज तो ये काम निपटाऊँगा, निपटा के जब हो जाएगा तो मैं एक प्लेट बिरयानी मंगा लूँगा। जिससे क्या होता है, काम का काम हो गया और पेट का पेट भी खुश हो गया। तो ये चीज़ जो है आप कर सकते हैं, आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों बस ये थे वो 10 तरीके जहाँ से आप जो है इनको यूज़ करके आप प्रोक्रेस्टिनेशन को एकदम भले ही नहीं तो धीरे धीरे करके उसको हटा सकते हैं। आप इन सारे प्रैक्टिसेस को करना स्टार्ट कीजिए और आपको जो है यहाँ पे हेल्प ज़रूर मिलेगी। बाकी आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपको लगता है किसी को ये वीडियो हेल्प कर सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी इस वीडियो को देख के अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं और आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी सक्सेसफुल मिलती है, तो बाद में आके वीडियो में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि आपको जो है यहाँ पे कुछ हेल्प मिला। बाकी मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए अपस्किल को, अपने आप को अपस्किल करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।